इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सीड्स की को कंप्यूटराइज आप कैसे कर सकते हैं। ये ERP सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें एक कंपनी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया कि यहाँ पे हम कंपनी डालते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, जो भी एड्रेस आप डालना चाहते हैं। देन सिटी डालेंगे, जो भी सिटी आप डालना चाहते हैं उसका स्टेट डाल देंगे, जो भी स्टेट कोड है, जो स्टेट है हम वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एंटर करते हैं, देन मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, वेबसाइट, वैट नंबर, जीएसटी नंबर पार्टी का, सीएसटी नंबर वगैरह, डीएल नंबर, जो भी उनके फर्टिलाइजर के अकॉर्डिंग उनके लाइसेंस नंबर होते हैं वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं, हमें क्या यूजर नेम और पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम पर। देन उसको हम क्रिएट कंपनी करेंगे, यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। देन उसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मेन विंडो खुल जाएगी सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इनकी फर्टिलाइजर वालों की तीन तरह की बिल बुक्स होती है, जैसे पेस्टिसाइड्स के लिए और फर्टिलाइजर के लिए और सीड्स के लिए, तीन तरह की हम बिल बुक्स कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मास्टर में जाएंगे, सेल टाइप पे गए, न्यू किया, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, जैसे पेस्टिसाइड्स सेल है तो यहाँ पे हमने पेस्टिसाइड सेल लिखा। यहाँ पे सिलेक्ट काउंट टू पोस्ट, कि जो पेस्टिसाइड्स की सेल हो वो कौन से अकाउंट में सॉफ्टवेयर पोस्ट करे, तो F3 प्रेस करके हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, पेस्टिसाइड सेल अकाउंट, ग्रुप कर देंगे सेल, उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। देन हम यहाँ पे उसको टैक्स एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, इंक्लूसिव रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें इनवॉइस परफिक्सिंग भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड वाले कहते हैं कि पेस्टिसाइड जब हम बिल बनाए तो P लिखा है, अगर फर्टिलाइजर बनाए तो F लिखा है, अगर सीड का बिल बनाए तो S लिखा है, तो यहाँ पे आप इनवॉइस परफिक्सिंग भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। देन इसको आप सेव कीजिए, हमारी यहाँ पे टाइप क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही हम सेकंड टाइप क्रिएट करते हैं, फर्टिलाइजर सेल, उसको हम कौन से अकाउंट में पोस्ट करना चाहते हैं। देन यहाँ पर F3 प्रेस करके वैसे हम अकाउंट भी लगा लेंगे, फर्टिलाइजर सेल अकाउंट, ग्रुप सेल कर देंगे, इसको हम सेव कर देंगे, फर्टिलाइजर हो गया। उसके बाद वैसे ही हम प्रीफिक्सिंग भी डाल देंगे यहाँ पर, इसको हम सेव कर देंगे। ऐसे ही हम सीड का भी यहीं से क्रिएट कर देंगे, वैसे ही सेम प्रोसेस सीड का बना दिया, और यहाँ पे हम वाइस प्रीफिक्सिंग डाल देते हैं, इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखोगे तीन टाइप्स की डिफरेंट बिल बुक्स लगी, जैसे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, सीड्स है, तीन टाइप की हमारी बिल बुक्स बन गई। देन वैसे ही हम परचेज को भी वैसे ही सेट कर सकते हैं, जैसे हम सेल्स की टाइप बनाई है वैसे हम परचेज की भी टाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आइटम के पार्ट पे चलते हैं, आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं फर्टिलाइजर के अकॉर्डिंग, पेस्टिसाइड्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आइटम्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएगा, इसका मतलब कि जितनी हमारे पास ऑलरेडी आइटम है इसकी यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। अभी हमारी फ्रेश कंपनी है, इसमें अभी कुछ भी हमने क्रिएट नहीं किया, नया क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आइटम का नेम, जैसे सपोज करो मोनो 500 ml, शॉर्ट नेम में हम डाल सकते हैं मोनो। एंटर किया, HSN कोड, जो भी आपका HSN कोड है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके अपना HSN कोड फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ऐसी टैक्स स्लैब आ जाती है, हम मोनो 500 ml कौन सी स्लैब में जाता है, 5% है, 12% या टैक्स फ्री, जो भी आपके अकॉर्डिंग इसकी स्लैब्स है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कंपनी, कंपनी का मतलब कि ये मोनो कौन सी कंपनी का है, आप फ्री करके यहाँ पे आप एक नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लस के सिंबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमने आपको कंपनी क्रिएट कर दिया। ऐसे ही हम मल्टीपल कंपनी जितनी आप चाहो वैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ग्रुप का मतलब होता है कि वो आइटम कौन से ग्रुप का है, जैसे पेस्टिसाइड का है, फर्टिलाइजर का है, सीड्स का है, आप यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम डालते हैं यहाँ पे पेस्टिसाइड, सीड्स, फर्टिलाइजर, हम यहाँ पे ग्रुप बना लिए। हम जैसे मोनो पेस्टिसाइड में आती है तो यहाँ पे पेस्टिसाइड सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे प्राइमरी यूनिट आता है, अगर बॉक्स और पीसेस के हिसाब से हम मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको बाय डिफॉल्ट आप पीसेस में रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर यहाँ पे पूछ रहा है मेंटेन बैच, बैच का मतलब ये होता है कि एक आइटम के डिफरेंट बैचेस होते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर में वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोनो के 5 तरह के अलग अलग बैच आते हैं, तो हम यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं। मेंटेन बैच पे गए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे देखिए बैच की शो हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसको अनटिक करेंगे देन वो नहीं शो होगा। अगर मेंटेन बैच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैच का यहाँ पे ओपनिंग उठा सकते हैं कि मोनो के अंदर हमारे पास कौन कौन सा बैच पड़ा हुआ है, उसका हम यहाँ पे बैच नंबर डाल देंगे। देन एक्सपायरी डेट डाल देंगे, हमारा एक्सपायरी डेट क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगा, सेल प्राइस हमारा क्या है वो डाल देंगे, प्रोडक्ट का MRP क्या है वो डाल जाएगा, बेसिक प्राइस वो प्रोडक्ट हमें विदाउट टैक्सेस क्या रेट आता है, विद टैक्स हमारे पास क्या रेट है हम परचेज रेट में डाल देंगे, मिनिमम सेल प्राइस का मतलब भी हम कम से कम कितने प्राइस में सेल करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पर है ओपनिंग पैक, ओपनिंग पैक का मतलब होता है कि हमारे पास मोनो कितने पीसेस पड़े हैं, तो वहां पे हम वो पैक में डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 80 पीसेस हैं तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे। देन हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग लूज आ जाएगा, लूज का मतलब होता है कि एक डिब्बा
उसके अंदर हमारे पास कितने पीसेस पड़े हैं। मान के चलो एक बॉक्स के अंदर 20 पीस है, तो अगर हम यहाँ पे बॉक्स और पीसेस के हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि हमारे पास बॉक्स कितने हैं और पीक्स कितने हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ओपनिंग वैल्यू भी क्रिएट कर देगा। तो आप अगर ऑप्शन को सेट करेंगे किस हिसाब से वैल्यूएशन बनाना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही आप इसमें मल्टीपल बैचेस क्रिएट कर सकते हो, जो भी बैच आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। उसमें आप अपना परचेजिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस डाला, MRP डालते हैं हम यहाँ पर। ऐसे हम यहाँ पे बेसिक प्राइस डाल देंगे, हमारा वहाँ पे वैल्यूएशन डाल देंगे, यहाँ पे ओपनिंग पीस डाल देंगे, हमारे पास कितने पीसेस पड़े हैं हम यहाँ पे वो डाल देंगे। देन इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो हमारा आइटम क्रिएट हो जाएगा। ऐसे हम मल्टीपल अपने आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने एक पेस्टिसाइड का बना दिया है, ऐसे हम एक फर्टिलाइजर का बना देते हैं। जैसे DAP बनाते हैं तो उसका HSN कोड डाला हमने यहाँ पे, वो 12% या 18% में आती है, वो सिलेक्ट कर देंगे। कंपनी कौन सी का आता है F3 करके हम यहाँ पे कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे कौन से ग्रुप में फर्टिलाइजर में है, वो बैच में आता है, उसके अंदर बैच मेंटेन करना है तो टिक कर दीजिए, अदरवाइज बैच नहीं है तो इसको हम अनटिक कर देंगे। देन हम यहाँ पे सेलिंग रेट डालेंगे, हमारा सेलिंग रेट क्या है, MRP डाल देंगे क्या है, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं ओपनिंग पैक डालकर। देन इसको हम सेव कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पे आइटम्स क्रिएट हो जाएंगे। देन हम देखेंगे दोबारा आइटम में जाएंगे तो हमारे पास ये सभी आइटमों की लिस्ट आ जाएगी कि जो जो हमारे पास आइटम्स है उसकी लिस्ट शो हो जाएगी हमारे सामने। अगर आप इसमें नीचे सर्चिंग दिया हुआ है, अगर आप नीचे सर्चिंग करना चाहते हो आइटम वाइज, कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, अगर देखना है कि पेस्टिसाइड का कौन कौन सा आइटम हमारे पास पड़ा है तो पेस्टिसाइड में जाकर ओके करोगे तो खाली पेस्टिसाइड वालों की लिस्ट आ जाएगी। ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल की शीट्स पड़ी है तो सॉफ्टवेयर में आप इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। आइटम्स के पार्ट के बाद हम जाते हैं अपने अकाउंट्स पे। जैसे हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे डेप्टर्स और क्रेडिटर्स होते हैं उसका हमने मेंटेन करना है कि हमने वो उनको कैसे किसी से कितना पैसा लेना है या कितना देना है, उसका हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो उसके लिए हम अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पे अकाउंट डालते हैं, सपोज करो गर्ग फर्टिलाइजर करके हमने एक अकाउंट ओपन किया। हम यहाँ पे उसका ग्रुप टेंट नेम डाल देते हैं, ग्रुप डालेंगे वो हमारा कस्टमर है या सप्लायर है। कस्टमर का मीनिंग होता है जिसको हम उधार में देते हैं उसको कस्टमर कहते हैं, जिससे हम उधार में लेते हैं उसको सप्लायर्स बोलते हैं, जिससे को हम देते हैं उसको हम कस्टमर बोलते हैं, जो हमको देता है उसको हम सप्लायर्स बोलते हैं। दोनों हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर को भी अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको कस्टमर बनाते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं कि हमने उनसे पहले कितने पैसे लेने हैं या देने हैं। यहाँ पे हम बैलेंस डाल देंगे कितना पैसा लेना है। यहाँ पे डेबिटर और क्रेडिटर है, डेबिट का मतलब रिसीवेबल है और क्रेडिट का मतलब पेएबल है। यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं, उनका एड्रेस क्या है एंटर करेंगे, यहाँ पे सिटी डाल देंगे, जो भी सिटी आप डालना चाहते हैं, स्टेट कौन सी आप स्टेट भी डाल सकते हैं, स्टेट कोड जो भी डालना चाहते हो आप स्टेट कोड भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे हम लोग, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन हमारा, उनका बर्थडेज वगैरह, बैंक नेम, उनका अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। पार्टी कौन सी आपकी है, विद इन स्टेट बिल टू बिल है, विद इन स्टेट कंज्यूमर है। यहीं पर हम उसका पार्टी का GST नंबर भी डाल देंगे, पार्टी का GST नंबर क्या है एंटर करेंगे, पार्टी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आता है। पार्टी के साथ बिल टू बिल पेमेंट मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे बिल टू बिल, बिल बाय बिल कर सकते हो। अगर सीधा हिसाब किताब रखना है तो इसको आप अनचेक करके आगे आ सकते हैं। क्रेडिट लिमिट का मतलब है, क्रेडिट लिमिट हम डाल सकते हैं पार्टी का कि हमने उससे कितने पैसे की लिमिट है। जैसे 50,000 रुपये की किसी की लिमिट है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 50,000 रुपये क्रेडिट के बाद वो ऑटोमेटिक वार्निंग देता है कि आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसको आप मेंटेन कर लीजिए। ऐसे ही हम इसको आप सेव करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही हम जितने भी आइटम्स, जितने भी पार्टीज है हमारे यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे नया बनाना हो, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे सभी अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर गर्ग डालकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर अपना अकाउंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करके जो भी मॉडिफाई करना है इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद इसको आप अपडेट कर दीजिए। देन हम आते हैं आगे सेल के पार्ट पे, हमने कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डेट डालेंगे कौन सी डेट में हमने बिल बनाना है। यहाँ पे कैश का बिल है या क्रेडिट का बिल है। कैश का मतलब होता है अगर आप नगद में सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लगे, अगर आप उधार में दे रहे हो तो उसको आप क्रेडिट में सेलेक्ट करोगे। एंटर करेंगे देन पार्टी का नाम आ जाएगा किसको हम सेल कर रहे हैं। जैसे ही हम पार्टी पे एंटर करेंगे तो पार्टी की पूरी डिटेल आ जाएगी, पार्टी का लेजर बैलेंस कितना है, उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, टोटल बिल हमने अभी तक कितने बना दिए, सेल इन दिस मंथ में आ जाएगा, इस महीने में पार्टी को हमने क्या सेल किया, पार्टी का GST नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर, पार्टी का लास्ट सेल कब किया, क्या बिल नंबर था, कितने दिन पार्टी को हमने माल नहीं दिया, यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब है कब तक पार्टी का लास्ट पेमेंट कब आया था, कौन सी डेट में आया था, कितने दिनों के पार्टी का पेमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे सब हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी है, यहीं पे शो कर देगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पे बैलेंस भी आ जाएगा। अब पार्ट आता है कि आगे कौन सी सेल करना है, पेस्टिसाइड का बिल बनाना है, फर्टिलाइजर का या सीड का। देन हम सेलेक्ट करते हैं पेस्टिसाइड का बनाना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बिल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे कस्टमर की ड्यू डेट डालनी है बिल की तो ड्यू डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर आइटम की लिस्ट आ जाएगी कौन सा आइटम है, DAP है या मोनो है, मोनो को सेलेक्ट करते हैं, मोनो का बिल बनाना है तो यहाँ पे एंटर करते हैं, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे बैच पूछ लेगा, जिस बैच को आप सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक उसका शो करेगा ऊपर, सेल प्राइस क्या है, MRP क्या है, वो सब यहाँ पे शो करेगा।
जैसे ही आपने एंटर किया तो यहाँ पे पीस डाल देंगे, कितने पीसेज है एंटर करते हैं। फ्री अगर कोई स्कीम में है तो वो भी डाल सकते हैं। प्राइस हमने नेट प्राइस क्या लगाना है, सपोज करो हमने 200 रुपए का पीस सेल किया, एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर देगा। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, एंटर किया देन हम इसको ऐड कर देंगे। ऐसे हम मल्टीपल्स आइटम इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जितना भी आपने आइटम दिया वो आप यहाँ पे वन बाय वन आप सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर किया आपने, उसको यहाँ पे बिल बना दिया, देन उसको हम सेव करेंगे तो हमारा बिल यहाँ पे सेव हो जाएगा। देन उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंटआउट निकालने के लिए हमारे पास ये सामने शो कर देता है कि आपने कौन सी कॉपी निकालनी है, ओरिजिनल कॉपी निकालनी है, डुप्लीकेट कॉपी निकालनी है, कौन सी कॉपी निकालनी है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ओरिजिनल, ट्रांसपोर्ट, डुप्लीकेट, जो भी। अगर प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू कर दीजिए, अगर डायरेक्ट प्रिंट देना है तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू देखने के लिए हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे फाइल्स का, यहाँ पे फाइल नहीं है, इसको देखते हैं हम, जीएसटी की पड़ी होगी। लीजिए प्रीव्यू किया, ये लीजिए हमारे सामने वो वाला बिल, यहीं पर हमारे पास प्रीव्यू हो जाएगा। इसमें आपको सॉफ्ट, अगर बिल पार्टी के मोबाइल पे व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये आपका सामने बिल आ गया, इसमें आपकी पार्टी की बैच नंबर वाइज डिटेल ये सब आपके सामने शो हो जाएगी। ऐसे ही हम अपने हिसाब से जैसा बिल डिज़ाइन करना है वो हमारी वेबसाइट से आप बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिज़ाइन भी जो भी आप बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से फॉर्मेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, अब हमने देखना है कि हमारे पास कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो डिस्प्ले में जाएंगे, अब यहीं पे स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, तो स्टॉक रिपोर्ट में जाकर हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सभी आइटमों का स्टॉक आ जाएगा कि हमारे पास ओपनिंग में कितना था, हमने सेल कितना कर दिया, हमारे पास क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ। ऐसे ही हमारे पास मोनो की लिस्ट आ जाएगी, ओपनिंग कितना था, कितना सेल कर दिया, हमारे पास क्या बैलेंस बचा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग हम ऐसे स्टॉक भी देख सकते हैं, कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, साल्ट वाइज, जैसे आपने स्टॉक देखना है तो उसको स्टॉक को देख सकते हैं। ऐसे ही आप डिस्प्ले में गए, स्टॉक रिपोर्ट में गए, आप यहीं पे बैच वाइज स्टॉक देखना है, बैच वाइज स्टॉक भी यहाँ पे एंटर किया यहाँ पर हम बैच वाइज स्टॉक भी देख सकते हैं, हमारे पास कितने पीस पड़े थे ओपनिंग में, कितना हमने सेल कर दिया, क्या हमारे पास बैलेंस है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर्स का लेजर देखना है कि कस्टमर से कितना पैसा लेना है, तो लॉग बुक में जाएंगे, यहाँ पर हम कस्टमर का नाम डालते हैं, जैसे गर्ल्स फर्टिलाइजर, यहाँ पर हम ओके करेंगे तो सबका यहाँ पे बिल आ जाएगा भी, पार्टी से हमने 15,525 रुपये लेना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा 5400 उसका बैलेंस था, तो ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे बैलेंस भी आ गया ओपनिंग, जो हमने अकाउंट्स क्रिएट करते समय डाला था, और यहाँ पे इसका पार्टी का नेट बैलेंस हो जाएगा। अब सपोज करो पार्टी से हमने कोई पैसा लेते हैं तो हम यहाँ पे रिसिप्ट में जमा कर सकते हैं, क्लिक किया, यहाँ पे डेट डालेंगे, कैश दिया पेमेंट या बैंक रह दिया, अगर बैंक रह दिया तो वो भी हम यहीं पे अकाउंट क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे हम बैंक का नाम डाल देंगे। सपोज करो हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया HDFC बैंक, सेव किया, यहाँ पर हमने HDFC बैंक पैसा कैश दिया या बैंक रह दिया, कैश दिया तो यहाँ पे हम रिसिप्ट नंबर, पार्टी का नाम डाल देंगे कौन सा है, सपोज करो गर्व फर्टिलाइजर, यहाँ पे एंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा कि हमने कितना पैसा लेना है। सपोज करो 10,000 रुपये लेना है तो यहाँ पे 10,000 डाल दीजिए, अगर कोई आपने डिस्काउंट दिया तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकते हैं, क्या रिमार्क्स डालना है, इसको सेव करेंगे, हमारा यहाँ पर रिसिप्ट जमा हो जाएगा। ऐसे हम मल्टीपल रिसिप्ट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर हमें शो करेगा सॉफ्टवेयर कि आपने 7 तारीख में कितना रिसिप्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे उसका टोटल भी आ जाएगा। अब हम पार्टीज का लेजर देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो कर्क फर्टिलाइजर का, तो यहाँ पर आपको शो कर देगा कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है और आपका कितना बैलेंस है। ऐसे आप टोटल आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट आउटस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपने मार्केट में किस किस का पैसा देना है या किस किस का पैसा लेना है, उसका आप यहाँ पर वन बाय वन उसका सबका चेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप किसी की डे बुक देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे आप अपना डे बुक भी चेक कर सकते हैं, और भी आपको जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिपोर्टिंग चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, जो भी अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट चाहिए वो सब आपको सॉफ्टवेयर में यही मिल जाएगी। अगर कोई भी रिपोर्ट्स आपको नहीं समझ में आती है तो आप अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, सॉफ्टवेयर वेंडर के साथ आप कंसल्ट करके उसको आप नॉलेज उसमें लेकर आप उसको सीख सकते हैं कैसे उसको करना है। देन इसमें हम एक बात करते हैं कि चेक प्रिंटिंग, काफ़ी पार्टीज कहते हैं कि चेक प्रिंटिंग कैसे करते हैं। चेक प्रिंटिंग करना बहुत सिंपल है, देन हम जैसे बैंक एंट्री करेंगे, सिलेक्ट किया कौन से बैंक एंट्री करना है, हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चेक प्रिंट कर सकते हैं पार्टीज के, जैसे HDFC या जो भी हमारे पास बैंक होते हैं हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंटर किया, यहाँ पे चेक इशू करना है, चेक रिसीव करना है, चेक इशू करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा पार्टीज का नाम क्या है। सपोज करो हमने गर्ग फर्टिलाइजर को बिल पार्टी को दिया, इशू किया, उसको 5,000 रुपये का चेक दिया, यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे कितना चेक है, रिमार्क्स में डाल देंगे टू चेक, जो भी आप रिमार्क्स नरेशन देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसको सेव करेंगे, देन हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रव्यू करके आप अपना चेक देख सकते हैं, यहाँ पे चेक किया आपके सामने प्रव्यू आ गया। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आपकी जो सेटिंग्स करवानी है वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सेटिंग्स भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसे ही आप परचेज का फीचर भी सॉफ्टवेयर में, सेल, परचेज, स्टॉक मेंटेनिंग के अकॉर्डिंग सब सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्टिंग है। सॉफ्टवेयर का डेमो देखने के लिए नीचे दिए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए,
एंड आप सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए, सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप देखा होगा कि आपने 10 मिनट में इस ईआरपी सॉफ्टवेयर को देखा, आपको अभी लगा होगा कि सॉफ्टवेयर वाकई में हमारा काम को वाकई आसान कर देता है। अगर बात करते हैं जीएसटी रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग, तो ये सब कंप्लीट है। जीएसटी रिपोर्टिंग, ऑनलाइन फिलिंग वगैरह, जो भी हमारी सेल्स है, तो ऑटोमेटिक परचेज, वो सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगा और कंप्लीट कैलकुलेशन, वहाँ पे कोई रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है, सब एकदम कंप्लीट है। आपको ऐसा नहीं है कि कई बार किसी पार्टीज को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अनदर सॉफ्टवेयर में कभी कोई रिपोर्ट्स मैच नहीं कर रहा, कोई कभी कोई रिपोर्ट्स मैच नहीं कर रहा। आप अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर में, तो आपको यहाँ पर एक एक रिपोर्ट आपको 100% कंप्लीट एक्यूरेट मिलेगा, जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने फिलअप करना है, सिर्फ आपके सामने बॉक्स फिलअप करना है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सब मेंटेन करेगा। इस सॉफ्टवेयर में आपको ये भी है कि आपको ज्यादा अकाउंट्स की नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल, जिस बंदे को अकाउंट्स भी नहीं आता वो भी सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से चला सकता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अनदर सॉफ्टवेयर की, तो उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक करता रहता है, बहुत ही सिंपल दिया गया है। अगर सपोज करो किसी को पैसा देना है तो हम पेमेंट्स में एंट्री डाल देंगे, अगर किसी से लेना है तो हम यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री डाल देंगे, अगर किसी को चेक देते हैं तो बैंक की एंट्री डाल देते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि हमारा क्या हिसाब किताब है, टोटल आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी है, बिल वाइज हमारा क्या प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर एक तरीके से एक आपको रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेगा कि आपको कैसे क्या करना है। बाकी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंसल्ट करके इसके बारे में आप बातचीत करके आप इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं एक बार, और वो नीचे दिए लिंक पर आप क्लिक करके इसको आप डेमो लीजिए, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आपको कोई भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है तो आप उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू सर।